मैं उवेश का चाचा हूँ, हम उस कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है। हमारे से बगैर पूछो ताछो हमारे से कोई पूछताछ नहीं की है पुलिस ने, और अपनी तरफ से ही इन्होंने 304 में केस को वो कर दिया। हम चाहते हैं कि 302 लगे, हमें इंसाफ मिले, हमें इंसाफ की जरूरत है पुलिस से। कातिल गिरफ्तार हो है जो सच्चाई है, हमें झूठा कातिल कोई नहीं चाहिए कि झूठा कातिल को गिरफ्तार करके ये फर्जी कातिलों को पकड़ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली चांदनी चौक थाना कोतवाली के अंदर। मामला नज़र आया है कि पिछले दिनों लगभग 3 दिन पहले कारी उवैस की यहां पर कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी, और उस हत्या को लेकर इस वक्त थाना कोतवाली पे देश के लोग मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो अंडर सेक्शन 304/30 लगाया गया है उसके अंदर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। पुलिस प्रशासन के ऊपर ये दबाव बढ़ता चला जा रहा है, और वहीं इस वक्त कारी उवैस के चाचा हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है, क्या कहना है आपका? इस वक्त जो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, क्या आप उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं जी, हम उस कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है। मैं उवेश का चाचा हूँ, हम उस कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है। हमारे से बगैर पूछो ताछो हमारे से कोई पूछताछ नहीं की है पुलिस ने, और अपनी तरफ से ही इन्होंने 304 में केस को वो कर दिया। हम चाहते हैं कि 302 लगे, हमें इंसाफ मिले, हमें इंसाफ की जरूरत है पुलिस से। कातिल गिरफ्तार हो है जो सच्चाई है, हमें झूठा कातिल कोई नहीं चाहिए कि झूठा कातिल को गिरफ्तार करके ये फर्जी कातिलों को पकड़ रहे हैं। हमें झूठा कातिल कोई नहीं चाहिए, हमें सच्चाई कातिल चाहिए, जो सच है उसको पकड़ें। लेकिन पुलिस इसमें पूरी ढील बरत रही है, पता नहीं उनसे मिली जुली मुलजिमों से चाल है। हमारे से बताते हैं कि हमें दो पकड़े हैं, लेकिन हमें ना उनका चेहरा दिखाया इन्होंने, ना वो दिखाया, हमें से कोई अब तक नहीं दिखाया इन्होंने। जो गवाह है वो भी फर्जी हैं। हम रात में यहाँ पर आए हैं, हमारे से इन्होंने अपना पूछा ना ताजा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया इन्होंने, हमारी बगैर इजाज़त के लिए। हमारे से कोई इजाज़त नहीं ली। पुलिस जो भी कर रही है अपनी उससे काम कर रही है। हम यहाँ सुबह से भूखे प्यासे धरने पे बैठे हैं। ओखला से अमानतुल्ला खान विधायक जी हैं, कि आम आदमी पार्टी से वो भी हैं, कैराना विधानसभा से नाहिद हसन हैं, MLA वो भी हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि जो कारी उवैस थे, किस तरीके का उनका व्यवहार था, किस तरीके का सलूक था? वो कारी उवैस साहब जो हैं पहले नवेड़ा में पढ़ाते थे बच्चों को, 3 साल दिल्ली वो आए थे किसी मस्जिद में जगह को तलाश करने के लिए। फिर उनके एक दोस्त को नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए जगह तलाश करने के लिए आए थे वो। उनके दोस्त ओखला में रहते थे, केला बेचते थे, उनके पास में रुक गए। वहाँ से फिर उसको जब जगह नहीं मिली वो वहाँ से निकल पड़े। अब रात को वो अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, जाने लग रहे थे। उन्हें के साथ में 2 लड़के और थे गाँव के, उन्हें मोबाइल की लीड खरीदनी चाहिए कि बच्चे थे कि मोबाइल की लीड खरीदो। तो यहाँ पे जो पटरी वाले हैं रेलवे स्टेशन के पास में, उनसे उन्होंने मोबाइल की लीड खरीदी, और 2-4 रुपए के ऊपर वो उनसे मारपीट हुई है। उन्होंने मार के उसकी हत्या कर दी वही मौके पे ही। पुलिस को सब पता है किसको मारा है किसको नहीं मारा है। हमारे से पुलिस इस बात को छपो रही है। हम सुबह से यहाँ पे खड़े हैं, काफ़ी आदमी है हमारे साथ में, दिल्ली के भी लोग हैं सभी लोग, और हम गांव देहात से भी 40-50-100 आदमी आए हैं। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला हम यहाँ धरना धरेंगे। हम इत्तला कर रहे हैं गाँव में सब जगह अपने, हम 1000-2000 की तादाद में कल तक आदमी यहाँ पहुँच जाएंगे। और मेहरबानी करके हम मीडिया की फुल सपोर्ट चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लिंचिंग के मामले में अगर ये हत्या होती है तो मैं चाहता हूँ सरकार बिल्कुल नाकाम है इसके मामले में। तो कृपया करके कानून और मीडिया हमारी सपोर्ट करे, राजनीति ना करें बिल्कुल भी, कोई भी किसी भी तरह मुद्दा हिंदू मुसलमान का मुद्दा ना बनाए, कोई भी इंसानियत का मुद्दा बनाए, मुसलमान का हिंदू का मुद्दा बनाए। ये ना कि भाई ये मुसलमान है मर गया, हिंदुओं ने मार दिया, हिंदू है मर गया, मुसलमानों ने मार दिया। मेहरबानी करके कोई भी नेता हो, कोई भी शासन हो प्रशासन हो, इस तरह मुद्दे पर बात ना करे, हम लोगों की हेल्प करे। ये बच्चा आपको वीडियो में जगह जगह व्हाट्सएप हुआ है, इसको देखें कितना मासूम ये बच्चा, सिर्फ अपनी जो हमारा एक सुन्नत है अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छुपा रहा है कि इस पर घूस न लगे, इस पर लात न लगे। माजरा चाहता हूँ, वो जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो मेरठ का है। वो मेरठ का है सर, देखिए मेरी बात सुनिए, लिंचिंग इंडिया में कहीं भी हो रही है, सिर्फ एक मुसलमान के मामले। लेकिन आप इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो पुरानी दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली के आप उसे मेरठ से जो ताल्लुक है सुनिए। देखिए मेरी बात, इंसानियत पूरी दुनिया के अंदर है, ना मेरठ हिंदुस्तान से बाहर है, ना हिंदुस्तान मेरठ से बाहर है। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में के अंदर हिंदुस्तान का पैगाम होना चाहिए, मुसलमान या हिंदू का पैगाम होना चाहिए। ये हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ है खाली एक कौम के नाम पर या एक हिंदू मुसलमान के नाम पर, इस पर 70 कौमों ने 70,000 लोगों ने इसके अंदर कुर्बानियां दी है। कहने का मतलब ये, शासन और प्रशासन गरीबों या मुसलमानों इसमें इंसानियत की मदद करे। जी, जी। और मीडिया, मैं चाहता हूँ कि मीडिया एक तरफा बात ना करे, मीडिया खुली बात करे, मदद के तौर पे बात करे, कानून से मिलकर बात करे और इंसानियत से मिलकर बात करे। जी आप कहाँ से?
मैं कुशा रहमान चांदनी चौक यहीं इसका इमाम हूँ, ऊंची मस्जिद से मेरा ताल्लुक है। जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं समुदाय विशेष के लिए, जैसा कि अभी भाई का कहना था कि किसी एक खास तौर से धर्म को ना लेके लिया जाए, लेकिन जब भी शिकार हो रहे हैं खास तौर से समुदाय विशेष के लोग हो रहे हैं, क्या कहना है आपका इसमें? असल में बात यह है कि जब जुल्म व तशद्दुद किसी तरह भी होता है तो वो नुकसान देता होता, और किसी भी शहर में हो किसी भी जगह पर हो वो सबके लिए नुकसान दे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, इसमें कोई वो नहीं है। इसी तरह किसी एक ख़ास तबके को जो है निशान बना करके उसको नुकसान पहुंचाना, जगह जगह जो है इस तरह के हालात कभी मेरठ में है तो कभी दूसरी जगह पर है। अभी पुरानी दिल्ली स्टेशन पर यह वाक़या पेश हुआ है, कारी उवैस साहब के साथ जो है बदतमीज़ी और फिर उनको मारा गया है, तो ये बहुत ही तकलीफ दे बात है और नुकसान की बात है। इससे हमारे मुल्क की ही इमेज ख़राब होगी, हमारा मुल्क ही इससे बर्बाद होगा। देश के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? एक अपने इलाके के मस्जिद के इमाम हैं, इलाके के जिम्मेदार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों से? मैं अपने देश के मुसलमान भाइयों से और तमाम देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि वैसे अमन व अमान का ही पैगाम है कि अमन व अमान ही रखा जाए, किसी तरह का जो है तशद्दुद ना बरता जाए, लेकिन जो इस तरह के कसूरवार हैं उनको सख्त सज़ा दी जाए। और मैं अपनी पुलिस उनसे भी कहता हूँ जो यहाँ का महकमा है चांदनी चौक का, उससे भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस तरह के कसूरवार को बिल्कुल ना बख्शे और जो भी दफात उनके खिलाफ लगती हैं उनको जो है पूरा किया जाए। हाँ, जो भी उन्होंने मर्डर का इरादा किया जी, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर चांदनी चौक थाना कोतवाली पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास जो घटी थी उसे लेकर अपने एहतजाज दर्ज कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे, आप कहाँ से हैं? ये लड़के का चाचा है, भतीजा था, आपके भतीजे हैं। तो क्या क्या डिमांड है, क्या मांग कर रहे हैं इस वक्त आप जो पुलिस के थाने के आगे ये प्रोटेस्ट की तैयारी? जी जी सर, पुलिस ने इस बच्चे के केस में 304 लगा रखी, हालांकि पुलिस का फर्ज बनता है, पुलिस ने उसमें 302 लगानी चाहिए। और हमारी यही डिमांड है कि पुलिस इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और पुलिस भेदभाव के तरीके से बातचीत कर रही है सुबह से और अब शाम होगी, बहुत काफ़ी टाइम होगा, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ कर नहीं पाई। लगभग कितने घंटे हो गए आप लोगों को? हम सुबह से जनाब यहीं हैं, 12 बजे से यहीं हैं, 12 बजे से यहीं हैं जी, और पुलिस अभी तक कुछ कर नहीं पाई। तो अभी जो बता रहे हैं कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, इसमें आपका क्या कहना? अभी देखो, जो दो लोग अरेस्ट करे हैं पुलिस ने, मैं ना जाने सही हैं गलत हैं, ये तो पुलिस नहीं इस बात का पता है, हम क्या इसमें बता सकते हैं? अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारी मांग यही है कि उसको 302 का जो हत्या का जो ये हुआ है दफ़ा उसको लगनी चाहिए, और जो उनको जो मुमकिन सज़ा जो है उनको मिलनी चाहिए, और जो हमारे बेगुनाह को जो कल मौत के घाट उतारा गया उसके तरफ से जो इंसाफ सच है, सच्चाई का इंसाफ को मिलनी चाहिए। ऐसी घटनाओं पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो केस हुआ है इसमें लोगों इनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और लोगों को इस करने से पहले सोचें। इसमें पुलिस भी अपना रोल निभाए, देश के प्रधानमंत्री, उन्हें भी सोचना चाहिए, और अगर इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों को फिर इस पर आगे कुछ करने के लिए उनको विश्वास उठ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हम चांदनी चौक कोतवाली के बाहर मौजूद हैं, और यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर दिल्ली से और दिल्ली के आसपास इलाकों से लोग पहुँच रहे हैं। मामला है कारी उवैस का, जिनकी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक मोबाइल की लीड को लेकर कहासुनी हुई, उनकी हत्या कर दी गई। इसी मामले पर यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनका साफ तौर से ये कहना है कि पुलिस ने अभी 304/30 सेक्शन लगाया है, जिसे गैर इरादतन हत्या का माना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो पुलिस मौजूद है वो ढुलमुल रवैया अपना रही है। लेकिन बड़ी बात देखने वाली ये है कि हर सप्ताह के अंदर एक ना एक जगह कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग की घटनाएँ अंजाम होती जा रही हैं, उसके बावजूद हमारा जो लचर कानून है उसके बावजूद ऐसे लोगों को सजाएं नहीं मिलती। आखिर ऐसी हत्याएं करने वाले लोगों को क्यों इस तरीके से बढ़ावा मिलता है, जो वो एक के बाद एक हत्याएं करते चले जाते हैं? देश के अंदर प्रावधान है कि हत्या करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्यों ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं? इसके लिए साफ तौर से लोगों का यही कहना है कि पुलिस ठीक से तफ्तीश नहीं करती है। कभी कोर्ट के अंदर वीडियो को धुंधला कहकर उसे नकार दिया जाता है, तो कभी कई बार गवाह अपनी बयान को तोड़ देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश के अंदर आखिर कब तक ऐसी लिंचिंग की घटनाएं होती रहेंगी।